Hello students, in our previous chemistry classes we have discussed about the chapter is matter around us pure. It means कि क्या हम लोग हमारे तरफ के सारी वस्तुएं जो भी चीज़ें हैं हमारे तरफ वो क्या प्योर हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड वी हैव लर्नड अबाउट द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द थिंग्स फ्रॉम ईच एनी मिक्सचर. ओके, एंड एट लास्ट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एटम. व्हाट इज एटम? नंबर 2, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल. अगेन नंबर 3, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास. और इस पर हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलेकुलर मास. आयंस, रेडिकल्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर मास. अब इसी में आ जाएगा आपको एवोगाड्रो नंबर, इंटर कन्वर्जन बिटवीन मोल्स. हाँ, ये एक आएगा अपने पास. मोल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें अपने आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर एंड सो ऑन टॉपिक्स. तो इस टाइप के हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू आवर फिजिकल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. ओके, तो ये सब जिसमें हम मोल्स पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में, इनके वेट के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं अपने फिजिकल पार्ट में. ठीक है, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट वी विल स्टडी इन आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स अबाउट द कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट इज एटम. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ एटम. तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में ये जो एटम का कंसेप्ट है आप लोग जानते हो कि एटम एक्चुअल में होता क्या है. तो अगर हम बात करें कि एटम क्या है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड into two or more parts, but it can take or participate
participate in chemical reaction. इन केमिकल रिएक्शन, अब देखो यहाँ पर एक बात आई खुल करके, केमिकल रिएक्शन, यहाँ एक जो बात आई अपने पास कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स. लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेना बेटा कि ये जो था कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स, ये डाल्टन का पोस्टुलेट्स था. ये एक्चुअल में डिवाइड हो सकता है. ये बाद में बताया गया कि एटम कैन बी डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दीज आर नोन एज द सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम का अलग पार्टिकल. समझ रहे हो आप लोग? तो देखो यहाँ क्या बताया गया कि जो एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल. मान लो कि अगर हम एटम को कोई एक अपने पास, हाँ इसमें एक पॉइंट जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे अगर हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन तो इसको हम लिखते हैं H2. अगर हम लिखते हैं ऑक्सीजन तो इसको हम लिखते हैं O2. मीन्स वॉट कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये सिंगल, मतलब H को हम अगर लिख दें हाइड्रोजन, सिंगल H नहीं एग्जिस्ट करेगा. हम लिख दें O, नहीं एग्जिस्ट करेगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप पूछ सकते हो कि सर देन व्हाट अबाउट फेरस, Fe, कॉपर, Cu. आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट अबाउट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Cg एंड सो ऑन, इनके बारे में क्या, ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. हाँ बेटा, आप इसको ध्यान से समझो. Fe, इफ वी टॉक अबाउट Fe, वी हैव अ पीस ऑफ Fe. ये क्या है Fe? Fe किसका सिंबल होता है, आप जानते होंगे, आयरन का सिंबल होता है. ठीक है, वी हैव अ पीस ऑफ आयरन हियर. तो बताओ क्या ये पूरा पीस एक ही एलिमेंट, एक ही एटम से मिलकर बना है? नॉट पॉसिबल. सो मेनी एटम्स आर देयर, मीन्स सो मेनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर देयर इन दिस. मीन्स वॉट कि इफ वी राइट हियर Fe, इट इंडिकेट्स एलिमेंट्स. वॉट एलिमेंट, नॉट द एटम. समझ रहे हो ना? इफ वी राइट हियर H2, इट मीन्स कि H टू एटम ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम लिखते हैं Fe, तो Fe का मतलब ये नहीं हुआ कि सिंगल एटम ऑफ आयरन. नो, देयर आर सो मेनी एटम्स इन इट. इट इंडिकेट्स ऑल दीज सिंबल्स इंडिकेट व्हाट, एलिमेंट्स. ये एलिमेंट को डिनोट करते हैं. समझ रहे हो आप? तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी हम बात करेंगे कि एटम क्या है, तो आपको बताना है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स. आप ये बात तो कहोगे, लेकिन इसके साथ ही आप बताओगे कि मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ मॉलिक्यूल का भी सेम डेफिनेशन होता है. मॉलिक्यूल इज द ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंसेज. देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? यस, डिफरेंस इज दिस कि इट एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वाइल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. समझ रहे हो आप लोग? अगर हम यहीं पर बात कर लें मॉलिक्यूल की, तो देख लो, अगर बात करें मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का अगर आप मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हो तो आप क्या लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. पार्टिकल, अब कहोगे कि सर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे हो सकता है? हाँ बेटा देखो, अगर हम ये एक ग्लास वाटर लिए, ठीक है, तो इसमें वाटर के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना,
इसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को बात करें तो ये भी H2O होगा, और टोटल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो भी क्या होगा, H2O ही होगा। समझ रहे हो? मीन्स H2O जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब आप अगर H2O लिख रहे हो तो ये H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आप HCl लिख रहे हो एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो? आप H2 लिख रहे हो एग्जिस्ट करेगा, O2 लिख रहे हो एग्जिस्ट करेगा। अगर यही बात अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, तो आप जो बचपन में पढ़ते आ रहे हो आए हो 6th 7th 8th में पढ़ते आए हो, वो आपने क्या पढ़ा है कि व्हेन व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, आप ये पढ़ो, ठीक है? टू और मोर एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, चलो ये भी बात सही है। लेकिन लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वाइल मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना और इसे आप याद रखना, ये फ्यूचर में भी आपके काम आने वाला है। ओके, तो इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो, अब ये जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में जो था, शुरू शुरू में जो एटम का एटम जो नाम दिया गया, ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड था एटम्स, एटम्स, और इस सॉरी एटम्स ने एटमॉस, एटमॉस। तो एटमॉस का मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिवाइडेड, डिवाइडेड, या फिर आप कह सकते हो कि इसे काटा नहीं जा सकता, मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यहीं से इसका डेफिनेशन क्या निकल आकर आया कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट लेटर इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री स्मॉलेस्ट पार्टिकल, थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ये तो हुई बात ग्रीक की। अपने जो इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर कौन थे? फिलोसफर महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, इन्होंने इसी एटम का नाम दिया था, नेम्ड एज एज क्या नाम दिया था? परमाणु, इन्होंने कहा था परमाणु। और परमाणु का मतलब क्या? परम प्लस अणु, मतलब अणु का वह छोटा पार्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, बात वही थी, बस इन्होंने सिर्फ नाम बदला और उसको इन्होंने प्रूव किया कि हाँ ये इस एक कोई किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज। इन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं उसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी, शी लिख दिए, सी विथ द नेकेड आइज, विथ द नेकेड आइज। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ अपरेटस की जरूरत पड़ेगी इसे देखने के लिए। एंड सेकेंड चीज इसकी क्या थी, खास बात थी? कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है? अभी आप लोग यही पढ़ोगे कि कैन नॉट बी डिवाइडेड, जब आगे बाद में बात आएगी वहाँ हम लोग देखेंगे कि ये थ्योरी बाद में फेल कर जाती है, ठीक है? तो ये बात हो गई अपने एटम और परमाणु की, कैसे कैसे क्या हुआ। अब आते हैं अपने कुछ लॉज पर, दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ, या फिर आप इसको कहते हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब देखो,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ें। पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम इस लॉ को क्यों पढ़ें। तो बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं केमिकल की, तो जब भी केमिकल की बात करेंगे या केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो केमिकल कॉम्बिनेशन टेल्स अस दैट टू और मोर केमिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि टू और मोर केमिकल्स केमिकल्स कंबाइन और रिएक्ट टुगेदर, रिएक्ट टुगेदर, ठीक है। और इस रिएक्ट का मतलब क्या हुआ बताओ, इस रिएक्ट का मतलब क्या हुआ, चेंज इट्स फॉर्म, चेंज इट्स फॉर्म, ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। मींस दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में या तो कंबाइन हो रहे हैं या फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में अगर कंबाइन हो रहे होंगे, तो इनके बीच में ऐसी क्या बात हो जा रही है कि ये कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो अपना नया प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ तो नियम होगा, तो उसको हम स्टडी करेंगे अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ जैसे सपोज फॉर ए लिटिल टाइम, मान लो अपने पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं। बताओ H2 और O2, ये जो जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2O2 बनाएंगे। इसके साथ कुछ कंडीशंस भी होते हैं, यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बना लिए H2O2। अगेन यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कुछ लेस अमाउंट के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो इट फॉर्म वाटर। सपोज H2 + 1/2 O2, हाफ ओ टू का मतलब क्या हुआ, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म H2O। यू कैन ऑल्सो राइट एज, आप तो या तो आप इसको लिख लो या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 2H2 + O2 रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म H2O, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो हाइड्रोजन तो इस रिएक्शन में भी था, फर्स्ट रिएक्शन में भी हाइड्रोजन था, सेकेंड रिएक्शन में भी हाइड्रोजन था, फर्स्ट रिएक्शन में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ और सेकेंड रिएक्शन में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ रिएक्शन, डिफरेंस इज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इन फर्स्ट रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, व्हाइल इन सेकेंड रिएक्शन हाफ मॉलिक्यूल, इट मीन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म H2O। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ H2O2, दैट H2O2 इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज वाटर, इसकी प्रॉपर्टी से कम्प्लीटली डिफर होता है। आप जानते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उसका हम यूज मेडिकल सेक्टर में भी करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज हम स्वीट्स बनाने में भी करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज डाई करने में भी होता है और डाई को हटाने में भी होता है, कलर को डिसकलर करने में भी होता है। बट इन केस ऑफ वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, वी कैन नॉट यूज हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑन द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, इन सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए कुछ लॉस हैं, ख़त्म करने के लिए नहीं, समझने के लिए कि आखिर ये ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उसके लिए अपने पास आया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? नाउ आवर फर्स्ट लॉ इज, फर्स्ट लॉ कहता है, जो अपना फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप कह सकते हो कि मास को संरक्षित करने के लिए जो नियम बनाए गए, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, ये कहता है कि अगर मान लो कि सोडियम क्लोराइड है NaCl,
NaCl को हम क्या नाम देते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करता है किससे? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, AgNO3। इसका नाम हम देंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करता है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, क्या बोला? बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। NaNO3 को हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और AgCl को हम नाम दे देंगे सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम दे देंगे? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये तो रिएक्शन हुआ अपना कि व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO3 इट गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पर जो रूल है वो क्या फॉलो करता है? सोडियम प्लस चार्ज में होता है, क्लोरीन माइनस चार्ज में, Ag प्लस चार्ज में, NO3 माइनस चार्ज में। अब बताओ इस माइनस के साथ कौन कंबाइन होना चाहेगा, इनमें से कौन कंबाइन होना चाहिए? भाई जो पॉजिटिवली चार्ज है मीन्स Ag विल कंबाइन विथ Cl एंड Na कंबाइन विथ NO3 एंड इट फॉर्म्स NaNO3 प्लस AgCl। चलो ये तो हुई बात रिएक्शन की, तो इसमें हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ है? हाँ है। कैसे? मान लो सपोज फॉर अ लिटिल टाइम सोडियम क्लोराइड इज इन द अमाउंट ऑफ 5.85 ग्राम। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इज इन द अमाउंट ऑफ 17 ग्राम। बताओ इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा? इन दोनों को आप अगर ऐड करते हो तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 5.85 एंड 17 और 5 आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 22.85 आ रहा है ना। अब देखो कहता है कि अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, NaNO3 बन रहा है कितना? 8.5 ग्राम, और सिल्वर नाइट्रेट कितना बन रहा है? 14.35 ग्राम। आप चेक करो इन दोनों को अगर कंबाइन करो, 8.5 प्लस 14.35। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 22.85 ग्राम। चेक इट हियर, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, दिस आर नोन एज रिएक्टेंट। इनको हम क्या नाम देते हैं? ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में एक साथ क्या कहे जाते हैं? रिएक्टेंट। क्या हम कहते हैं? रिएक्टेंट। अब बताओ रिएक्टेंट क्या होते हैं, अभी हम बात करते हैं। और इनको हम एक साथ क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट साइड में जितने अमाउंट होंगे, मीन्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट और टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चेक कर लो यहाँ 22.85। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड destroyed when during chemical reaction। अब कहोगे कि सर ये chemical reaction हुआ? हाँ बेटा हुआ। यहाँ पर जो आपके पास AgCl मिला, जो ये AgCl मिला, इसका क्या हमें मिला? white precipitate। हम बताए थे ना कि आप लोग इन छोटी छोटी बातों को, प्रेसिपिटेट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, इन सब छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखते चलिए। अब देखो अब हम थोड़ा सा बात कर लें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि रिएक्टेंट क्या है और अपना प्रोडक्ट क्या है। तो देखो बेटा those substance which
react together called क्या कहते हैं हम इसको, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रिजल्टेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम इसको, प्रोडक्ट। समझ रहे हो, मीन्स जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो आपस में रिएक्टेंट करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग, हमने अभी अपने रिएक्शन में देखा कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनाया, NaNO3 प्लस AgCl, तो इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, और इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट। क्यों कहते हैं भाई रिएक्टेंट, क्यों कहते हैं भाई, इसलिए कि NaCl कंबाइन विथ AgNO3 मीन्स हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि दोज सब्सटेंसेज विच रिएक्ट टुगेदर, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 आपस में अगर कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट और AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड, तो जो हमारा बनता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, और जिसके कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी, ओके। अब देखो, एक अपना जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह लो, या फिर आप इसी को कह लेते हो डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, आप इसको कहें कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहो, या आप इसी को प्यार से कह सकते हो डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बताओ ये डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके नाम से आपको क्या लगता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है, इसको हम अगर पढ़ रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो यहाँ से हमें खुद समझ में आ रहा है कि मान लो वाटर है अपने पास, क्या है, वाटर। अब ये वाटर चाहे वो रेन वाटर हो या फिर सी वाटर हो या फिर टैप वाटर हो या फिर ये पॉन्ड वाटर हो, मीन्स कोई भी सोर्सेज हो, एनी सोर्सेज, किसी भी सोर्स से अगर वाटर को निकाल रहे हो तो इसके मॉलिक्यूल H2O ही होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उसका अमाउंट स्लाइटली कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम बात वाटर की करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल हर केस में H2O ही होगा। समझ रहे हो आप, मीन्स ये जो लॉ है अपना, कौन सा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या प्रपोज करता है, ये कहता है कि ये लॉ बताता है अपने को कि द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, इन अ कंपाउंड remains fixed when a compound is analyzed। किसी कंपाउंड को अगर हम एनालाइज करें तो उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, चाहे वो
किसी भी सोर्स से हम इसको लें, मीन्स वर्ड कि ये आप लोग याद रखोगे कि इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ ऑब्टेंट. किस सोर्स से ये लिया गया है इस पर ये डिपेंड नहीं करता है. कहता है कि किसी भी सोर्स से आप उस कंपाउंड को ले लो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स होगा, उसे आप अलग नहीं कर सकते हो, डिफर नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं कह सकते कि सी वाटर लोगे तो उसमें वाटर का के मॉलिक्यूल H2O की जगह H2O2 हो जाएंगे, H2O3 हो जाएंगे, HO हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. किसी भी सोर्स से आप वाटर को लोगे तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल H2O ही होंगे. इज दैट क्लियर? ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द अबाउट आवर थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, तक के लिए थैंक यू.